नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज है शुक्रवार का दिन। मैं शुक्र करना चाहूँगा वाहेगुरु का इस अमेजिंग ज़िंदगी के लिए। B7 स्टर्लिंग रिज़र्व का रिव्यू हो रहा है। स्टर्लिंग रिज़र्व, जी हाँ, B7 स्टर्लिंग रिज़र्व। मुझे कुछ नहीं पता इस विस्की के बारे में। इतना कहना ज़रूरी है कि विस्की मैंने गुड़गांव से ख़रीदी थी कुछ दिनों पहले, और इसका दाम उस वक्त था 480 रुपये, 480 रुपीज़ फॉर दिस फुल बॉटल। अब ऊपर एक गिलास नज़र आ रहा है मेरे को, और एक टेप भी लगी हुई है। ये टेप को खोलते हुए मेरे पास इतने विस्की ग्लासेस हैं, लेकिन जब एक और मिल जाता है ना तो लगता है कि एक रिश्ते की शुरुआत हो गई है मेरी। अरे वाह, ये देखिए भाई, कितना सिंपल ग्लास दिया है इन्होंने। मस्ट बी द मोस्ट सिंपल प्लेन जेन लुकिंग विस्की ग्लास जो मेरे पास है, सबसे प्लेन जेन सिंपल विस्की लुकिंग ग्लास। बॉटल देखते हैं अब जिसके लिए हम यहाँ पर है। ओ भाई, एक गिरेगी पक्का। ये भी पता नहीं क्या लगा हुआ है ऊपर इसके, प्लास्टिक। और ये आ गई आपकी, मेरी, हमारी स्टर्लिंग रिजर्व। देखना ज़रूरी है कि क्या ये सीग्रम्स का ब्रांड है। नहीं, ये सीग्रम्स का ब्रांड नहीं है। स्टर्लिंग रिज़र्व अपने में एक कंपनी है, और ये इसकी लुक काफ़ी अच्छी है। मैं कहूँगा बहुत ही अच्छी पेशकश है। नीचे लिखा है ब्लेंड ऑफ स्कॉच माल्ट, माल्ट विस्की भी है, और फाइनेस्ट इंडियन ग्रेन स्पिरिट विस्की। और ये जन्मी है 25 अगस्त 2022 को। आज डेट है 25 नवंबर 2022, तो 3 महीने ये बैठी है, इंतज़ार कर रही थी। B7 कुछ नहीं जानता मैं इसके बारे में। स्टर्लिंग रिजर्व B7, और एक और B भी आता है शायद B4, बट डोंट कोट मी, B10, आई डोंट नो। गुड़गांव से ख़रीदी है, ज़्यादातर गुड़गांव से। दारू का टेस्ट दिल्ली वाली दारू से अलग होता है, लेकिन अब ऐसा लगता है ज़िंदगी में खाली गुड़गांव की दारू है। यू अंडरस्टैंड, ये क्या हुआ, देखो तो भाई ये कैसे हो गया। भाई अजीब बेवकूफ़ी है, ये फ्री हो गया है। भाई ऊपर से ये भी हट गया, अब ये ऊपर लगा हुआ है, इसकी कोशिश कर रहा हूँ हटाने की। इसकी तबीयत ख़राब है बॉटल की, लेकिन ये इससे पानी, इसकी विस्की ज़रूर निकल रही है बाहर। एनीवेज, इसको विस्की रोजिंग ग्लास में डाल के देखेंगे क्या है, इसमें क्या हो रहा है। थोड़ा ज़्यादा डाल दिया, कोई बात नहीं। ये हमारा ग्लास है। स्मेल से मैं क्या ही कहूँ, ग्रेन विस्की की टिपिकल स्मेल। थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट अभी मैं ज़्यादा नहीं कह पा रहा। ग्रेन विस्की का ज़्यादा आ रहा है स्वभाव। नॉट बैड। चलिए इसको डाल के देखते हैं कि क्या ये, कैसे एक ड्रिंक बनेगा इसका। ये मैंने डाल दिया कुछ, जानना चाहेंगे मैंने ये कहाँ से लिया है, तो मैं आपको एक, मैंने व्लॉग बनाया था ये विस्की ख़रीदते हुए गुड़गांव से। मैं दिल्ली रहता हूँ, लेकिन गुड़गांव गया था मैं ये ख़रीदने के लिए। मैंने 3 बर्फ़ के आइस क्यूब डाले हैं। हाँ, ये ज़्यादा है, और अब मैं इसके साथ पानी मिक्स कर रहा हूँ। ठीक है,
ये मिक्स कर दिया मैंने वाटर, और अब हम इसको बैठने देंगे 5 मिनट। 5 मिनट दीजिए मेरे को, ड्रिंक 5 मिनट में बैठेगा। अगर मैं अभी से प्ले लूँगा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा किस दिशा जा रही है, हम किस गली जा रहे हैं। ड्रिंक को भी कॉकटेल की तरफ बैठाना चाहिए, तभी उसका असली सुरूर आता है। संगमरमर, रुकिए अब। 480 के पड़ाव में आप काफ़ी दूसरी विस्कीज ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने हाल ही में रॉयल स्टैग बैरल सेलेक्ट ट्राई करी थी, मुझे अच्छी लगी वो। 530 रुपए की आती है गुड़गांव से, तो इस रेंज में काफ़ी सारी विस्कीज़ है। मैं अगर बात करूँ अपनी पर्सनल फेवरेट विस्की की जो इस लेवल पे आती है, तो मुझे पसंद है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इम्पीरियल ब्लू सीग्रम्स। अब समय हो गया कि उसको दोबारा लेके आए, क्योंकि टाइम के साथ आपका फ्लेवर ही बदलता है, राइट। तो मुझे वो काफ़ी पसंद है, और अभी हाल ही में मैंने ट्राई करी थी बैरल सेलेक्ट। उससे पहले मैं पी चुका हूँ रॉयल चैलेंज, जो बहुत अच्छी है। रॉयल चैलेंज की पूरी बॉटल पी थी। अगर मैं इस लेवल में किसी पूरी बॉटल को फिनिश कर रहा हूँ तो वो रॉयल चैलेंज है। तो रॉयल चैलेंज एंड इम्पीरियल ब्लू मैं ज़रूर रेकमेंड करता हूँ। ये मुझे अच्छी लगे ना लगे वो तो समय ही बताएगा। जो ऑलमोस्ट हो चुका है, जी हाँ 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम पियेंगे। पहला सिप है हमारा ये B7 स्टर्लिंग का, और इसका B10 भी आता है, मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था, B10 एंड B7 आता है, तो ये एंट्री लेवल मान लेते हैं। चेयर्स। थोड़ा फीका, अजीब सा फर्स्ट सिप, विस्की रेडार से नीचे निकल रही है, मतलब विस्की में स्मेल कम है। अगर आप इसके एक दो घूंट लगा भी देंगे तो कोई कह नहीं पाएगा, स्मेल तो बहुत कम है इसमें, कोई कह नहीं पाएगा आपने दारू पी है, तो वो बात अच्छी है। थोड़ी माइल्ड विस्की है ये, स्ट्रॉन्ग विस्की नहीं है। ये मुझे किसकी याद दिला रहा है, मुझे थोड़ा बहुत रॉयल चैलेंज, थोड़ा बहुत मैकडाउल्स की याद दिला रहा है। बट इसमें कोई आफ्टर टेस्ट तो बिल्कुल एब्सेंट है। जो पहला घूट में आप पीते हो तो एक बड़ा लेड बैक बोले तो बड़ा आराम से एक फ्लेवर प्रकट होता है, जो कहता है कि यार कुछ टाइम दे मुझे, यू नो। सो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जो लेड बैक माइल्ड आराम से विस्की होती है वो भी अपने में ही एक बहुत बेहतरीन पेशकश है, और उस कारण मुझे ये ड्रिंक अच्छा लगा है अब तक। मतलब ये वो वाला ड्रिंक नहीं है जो आप बूम 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 करके पियेंगे, ये वो वाला ड्रिंक है जो थोड़ा आराम से बैठते। यार तू बता तो हुआ क्या तेरे साथ आज काम पे, नहीं तू मुझे बता वरुण, नहीं तू मुझे बता अनिरुद्ध। तो ये उस टाइप की विस्की है, यू नो, यार बैठे हैं 2-3 लोग और सब बातें करना चाह रहे हैं। पहले ड्रिंक ने तो मतलब बहुत अमेजिंग फ्लैट लेवल टाइप जरूर दिया है। अगर हम इसकी विस्की परसेंटेज की बात करें तो मेरे ख्याल से 43 होगा ये, जी हाँ 42.8 75 प्रूफ। अब ये बनी कहाँ पर है, ये बनी है आपकी डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में, अलाइड ब्रांडर्स एंड डिस्टिलर्स पे। किसी दिन जाएंगे अम्बाला हम, रजिस्टर्ड ऑफिस लैमिंगटन रोड मुंबई में है। वेरी इंप्रेसिव, गुड स्टिकर प्रेजेंटेशन, बॉटल की अच्छी है, स्मेल भी ठीक थी, बड़ी माइल्ड सी थी। और अब मैं पी रहा हूँ तो पहला ड्रिंक तो काफ़ी सही लगा मुझे। सो कुछ समय दीजिए, मैं दोबारा आता हूँ। चीयर्स। और रात को और ज़्यादा मैं डर ये हो गया, क्योंकि ये जो दिन में ऐसा कर सकता है, रात में भी अंदर पता नहीं क्या क्या देख के गया होगा दिन में, तो ये मेरे को और ज़्यादा, मैं तो छत पर भी बाहर बैठा हुआ हूँ सर, तो इस चीज़ को मेरे को और डर लग रहा है इस चीज़ को, क्योंकि बाहर की जो है हमारा रेलिंग अभी लगी हुई नहीं है उसमें, तो वो भी लगवाना बहुत ज़रूरी पड़ेगा सर। सॉरी, सेकेंड ड्रिंक पोर कर दिया मैंने, थोड़ा भारी बनाया मैंने, ये देखने के लिए कि क्या होता है। पानी डाल रहा हूँ उसमें मैं, इसको भी 5 मिनट वेट करेंगे, वेट करेंगे बच्चन साहब, वेट करेंगे हम आपका। भाई हुआ ये कि मेरे ऑफिस में ना आज एक साइकिल चोरी होगी किसी की, मेरे लिए कोई काम करता है, और उसकी कोई साइकिल दिन दहाड़े
फ़ोन में बात करते करते हमने कैमरे में देखा कोई चोरी करके ले गया। तो अब हम सिस्टम बना रहे हैं जिससे ये साइकिल चोरी बार बार ना हो, क्योंकि भाई महंगा पड़ता है भाई, साइकिल सस्ती थोड़ी आती है आजकल, कोई भी मतलब 5,000 रुपये की आती है साइकिल, तो ऐसे बार बार ना हो। तो हम डिसाइड कर रहे थे क्या करें। एनी वे, सेकेंड ड्रिंक के लिए चीयर्स। देखिए ये विस्की ना, मैंने पहली बार ऐसी शायद कोई विस्की पी होगी, जो आप पी भी रहे हो ना तो पता नहीं चल रहा कि विस्की पी रहे हो, क्योंकि इतनी माइल्ड है ये, बिल्कुल पानी की तरह फ्लो है इसका, कुछ ज़्यादा अंदाज है ही नहीं इसका। एक इसका नीट का घूट देके देखे हम क्या होता है भाई, क्योंकि हम तो है ही खतरों के खिलाड़ी। तो ये इतनी सी डाल दी मैंने पसंद अनुसार। हिट मार रहा है, काफ़ी हिट मार रहा है, काफ़ी फाइट दे रहा है, अच्छी बात है। बट पानी के साथ तो ये बहुत ही माइल्ड हो रही है, मतलब सेकंड ड्रिंक है। चलिए आप भी बढ़े रहिए, हम आते हैं कुछ देर में। इसके रूप की बात करूँ तो ये बिल्कुल अलग है, ना ही ये सिग्नेचर जैसा है, सिग्नेचर प्रीमियर जैसा नहीं है ये, ना ही आपके रॉयल चैलेंज जैसा है। बिल्कुल रॉयल चैलेंज में थोड़ी अदागिरी अलग है, मैकडावल से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, मैकडावल के सेकंड कजन जैसा है। सुरूर बनाने के लिए इसकी इसकी आफ्टर टेस्ट की स्मेल भी काफ़ी अच्छी है, मतलब आई लाइक दिस ड्रिंक। आप ये बात जानिए, अगर आप यहीं पे वीडियो एंड करने वाले हो और नहीं देखोगे आगे, तो मैं ये बता रहा हूँ मुझे ये ड्रिंक पसंद आया मेरे को, बिकॉज ये हैंडशेक ड्रिंक है भाई। ये ड्रिंक थोड़ा जसपाती है और ये ड्रिंक एकदम इमीडिएटली मदहोश नहीं कर देगा आपको, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, उस टाइप का ड्रिंक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए ये सेकंड ड्रिंक था, कुछ देर रुकिए, मैं तीसरा ड्रिंक, चौथा ड्रिंक, पांचवा ड्रिंक, सातवां ड्रिंक शायद पियेंगे, देखते हैं हम। तो भाई चार ड्रिंक पी चुका हूँ, बहुत अमेजिंग ड्रिंक है, बहुत मेलो है, बहुत अच्छी फ्लो में है। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा स्टर्लिंग B7 को, और मैं शुक्रगुजार हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे बोला B7 ट्राई करो, एंड इट्स टोटली वर्थ ट्राइंग, आई क्वाइट लाइक इट। 8/10 विस्की, नथिंग रॉन्ग विद इट, कोई इसका नेगेटिव नहीं है। अगर कोई नेगेटिव मैं सोचूंगा तो मैं कहूँगा इसका टेस्ट इतना वो नहीं है, इतना उभर के नहीं आता, थोड़ी लेट बैक है, लेट बैक छुपे रुस्तम्स के लिए बेस्ट विस्की। टेक इट ईजी मैन, आई विल सी यू व्हेन आई डू। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई एम द बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। Peace out. Yeah, I said I'm the best. It's the truth.